उस तस्वीर में आपकी जिंदगी क्या, लोग तो ऐसा कहते हैं कि क्या उस तस्वीर आपकी तस्वीर से क्या सरकार को कुछ फायदा भी नहीं होता? तस्वीरों का तो जम के उपयोग या बहुत यूज किया है ना, मीडिया वालों ने भी यूज किया, पार्टी वालों ने भी किया। मीडिया पे जिस तरह के हत्याकांड हो चुके थे उस टाइम पे, तो मुसलमानों में बहुत वो था बदले की भावना था, तो ऐसे ही बदले की भावना वाले कुछ युवाओं ने मुझको रुक जाकर अटैक किया था। अटैक मतलब पूरी बारी कर ली मेरे, आपके ऊपर फायरिंग हुई? हाँ, उस 2002 के साल में हुआ है। अच्छा, और उसके बाद में FRI में भी नाम लिखाया, बजरंग दल का टेप लिखा था ये तस्वीर पर। मगर उस वक्त जो आपका रोल बताया जा रहा था, हाथों में आपके पाइप है और पट्टियाँ लगी हुई है और इस तरीके से आपकी आँखों में जो है गुस्सा है, तो वो एक तस्वीर एक अलग दर्शा रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव में आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त हम गुजरात अहमदाबाद के अंदर हैं। जब अभी हम हैं चुनाव यात्रा के अंदर, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तलक ऐसी चीज़ को लाया जाए जिसका कहीं ना कहीं चुनाव से कनेक्शन हो, या जिसका बहुत बड़ी भूमिका अदा करने में जिसका रोल रहा हो। जब 2002 के चुनाव की बात आती है, जब गुजरात के चुनाव की बात आती है, उस वक्त कहीं ना कहीं 2002 का जिक्र आ ही जाता है सामने, क्योंकि लोग भुलाने से भी उस चीज़ को नहीं भुला पाते हैं। वो मंजर को जब वो मंजर याद आता है तो दो तस्वीरें भी लोगों के सामने जरूर आती हैं। एक तस्वीर के अंदर अशोक भाई परमार उर्फ अशोक मोची, जो कि एक हाथों में पाइप और माथे पे भगवाधारी भगवे कलर का पट्टी लगाकर एक लीडर, एक हिंदुत्व लीडर के तौर पे दिखाई देते हैं तस्वीरों में। दूसरी जगह जो तस्वीर है वो कुतुबुद्दीन अंसारी, जो कि हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, चेहरे पे बेबसी और सटों पे खून के धब्बों के साथ एक फरियाद करते हुए नज़र आते हैं कि हम वाकई बहुत तकलीफ में हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारे पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ऐसा तस्वीर दर्शाते हैं। उस वक़्त जो तस्वीर थी कुतुबुद्दीन भाई की, जो सुंदरम नगर वहाँ पर जब मिलिट्री आई थी, उस वक़्त जो इंटरनेशनल की एक रिपोर्टर थी, उसने उस तस्वीर को खींच के फोटो को जो है वायरल करा था। मगर जब 2002 की धमाल की बात आती, जब गुजरात के चुनाव की बात आती है, 2000 दंगों की जब बात आती है, जब तस्वीरों की बात आती है, तो जिस वक़्त जो दो तस्वीर बोए थे, एक थे अशोक परमार उर्फ अशोक मोची और एक थे कुतुबुद्दीन अंसारी, उनकी हालत क्या है, उनको क्या इससे फ़ायदा हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, हम जानते हैं। अशोक भाई मोची जो हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक भाई मैं न्यूज़ में आपका स्वागत है। अशोक भाई, जब जब गुजरात के चुनाव की बात आती है, तब तक 2002 की बात आती है, तब तक दो तस्वीरें ज़्यादा लोगों की नज़रों के सामने आती है, खास करके एक आपकी, आपके हाथ में एक पाइप की और भगवा कलर की आपने जो है पट्टी बांधी हुई थी, और इस तरीके से दर्शाने की कोशिश करी जाती है उस फोटो में कि आप एक लीडर हैं, क्या कहो? अब उस टाइम के जो हालात थे ना, हमारा हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था और उस वक्त यहाँ भी शुरू में दंगा चालू हो गया था हमारे, ठीक है। तो उस टाइम के हालात की वजह से मुझे वो कपड़ा लगाना पड़ रहा सर पे, जैसे अपनी हिंदू पहचान बना ली थी, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, वो पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता। तो मैंने अपनी पहचान बनाने के कपड़ा लगा था सर। अच्छा, मगर उस तस्वीर में आपकी ज़िंदगी क्या, लोग तो ऐसा कहते हैं कि क्या उस तस्वीर आपकी तस्वीर से क्या सरकार को कुछ फायदा भी नहीं? कुछ तस्वीरों का तो जम के उपयोग या बहुत यूज किया है ना, मीडिया वालों ने भी यूज किया, पार्टी वालों ने भी किया। अभी मुझे थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा कि यूपी बिहार में भी हमारी तस्वीरें इलेक्शन के टाइम यूज होती है, दूसरी जगह भी यूज होती है, एक हिंदू का भी चेहरे के रूप का वो प्रयोग यहाँ गुजरात का उन्होंने किया है ना, हिंदू ने की राजनीति का वो प्रयोग के चेहरे के ब्रांड तरीकों मेरी तस्वीरों को यूज करते हैं, लेकिन आपके सामने देखता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला? कोई फायदा नहीं, ऊपर से मुझे परेशानी आई है उस तस्वीर की वजह से, बहुत परेशानी आई है भाई ये तस्वीर की वजह से, क्योंकि हमारा जो हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है। जैसे कि आपको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा?
सबसे पहले तो मीडिया ने मुझे जिस तरह का दिखाया था ना, और गुजरात में जिस तरह के हत्याकांड हो चुके थे उस टाइम पे, तो मुसलमानों में बहुत वो था बदले की भावना थी। तो ऐसे ही बदले की भावना वाले कुछ युवाओं ने मुझ पर अटैक किया था। अटैक मतलब गोलीबारी कर दी मेरे पे। आपके पास फायरिंग हुई? हाँ, उस 2002 की साल में हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा क्या वो करना रहा था उस टाइम पे, तो बच गया था ये। अच्छा, और उसके बाद में FRI में भी नाम लिखाया, बजरंग दल का टेप लिखा था ये पर। तो हमारे इलाके में जो मुसलमानों का छोटा बड़ा नुकसान हुआ था, तो उस टाइम क्या क्या एक दूसरे का नुकसान हुआ था, दोनों कौम में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना थी। हिंदुओं मुसलमानों को नफरत की भावना थी, मुसलमानों हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना थी, नुकसानों की वजह से गोधरा कांड और दंगों में नुकसान हुआ। तो मेरी तस्वीर बजरंग दल का टैग लग गया था, तो FRI में मेरा नाम आ गया था। हमारे इलाके में छोटा बड़ा तो नुकसान होता था, उसमें मेरा नाम लिखा गया था। उसकी वजह से भी कोर्ट में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, इधर गए उधर गए, बहुत काफ़ी 2009 तक परेशानियाँ रही। हमने लोगों से ऐसा सुना है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि जब आपके ऊपर जब वो केस बना था, तब इंक्वायरी बैठी थी सरकार की ओर से, तब जो मुस्लिम लोगों से जब पूछा गया था, उन्होंने कहा नहीं, अशोक पाई का जो रोल है इसमें नहीं था, और अशोक पाई इसमें निर्दोष है, क्या इस तरीके का कोई बात हुई थी क्या? नहीं, किसी कोई कमेटी तो मैं हमारे को कभी किसी कमेटी ने नहीं बुलाया। हमारा जो कोर्ट ट्रायल है, मैं सेशन कोर्ट में चला था, अहमदाबाद की जो कोर्ट होती है उस पर चला था, और उस पर हम जितने लोगों के यहाँ के नाम लिखे थे ना, सब गए थे। लेकिन हमारे का जो नाम लिखाने वाले बस्ती वाले थे ना, वो कोई कोर्ट में साक्षी दुबानी देने नहीं आया। अब वही मैं कह रहा हूँ, यही बात आई थी भाई, उसकी वजह से कोर्ट ने फिर हमें छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि एक भी मुसलमान हमारे खिलाफ गवाही देना कोर्ट में नहीं आया। मगर उस वक्त जो आपका रोल बताया जा रहा था, हाथों में आपके पाइप है और पट्टियाँ लगी हुई है, और इस तरीके से आपके आंखों में जो है गुस्सा है, तो वो एक तस्वीर एक अलग दर्शा रही। वो क्या हुआ कि गुजरात में जो हादसा हुआ, और उस टाइम मेरी जो हालत थी कि 2000 रुपये मैंने घर छोड़ दिया हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उस टाइम में इधर ही सोता था, होटल में खाता था, चाय नाश्ता होटल में करता था। अब गुजरात में हादसा हो गया, फिर बटका लेना है, चाय नाश्ते की तब होटल बची, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा हुआ माइंड हो गया, फिर दंगे शुरू हो गए, तो उसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। 2002 के धमाल के बाद जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, इसको सरकार को काफ़ी ज़्यादा इसका फायदा देखने को मिला कि नहीं? अरे बहुत फायदा मिला है ना भाई, गुजरात का लगातार 20 साल से BJP आ रही है, और हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हुई जो प्रयोग इन्होंने गुजरात में किया ना गोधराकांड के बाद, वो सफल रहा गुजरात में 20 साल से, और वही प्रयोग बाद में दिल्ली में भी लागू किया हिंदुत्व की राजनीति का, और दिल्ली में भी काफ़ी सफल ही रहा है ना, दो बार मैं मुख्यमंत्री मोदी जी बन चुके, दो बार प्रधानमंत्री बन चुके, तो सफल रहा है। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हो यहाँ फायदा मिला उनको, इसका फायदा मिला कि आज वो PM की पोस्ट पर पहुंच गए। हाँ, ऐसा है, कांग्रेस की कमजोरी का भी फायदा उठाया था हमने, ऐसा है। हाँ, और बदले में आपको कोई उसमें लाभ नहीं मिला। और एक और जो नाम आता है, पुकारा जाता है, कुतुबुद्दीन अंसारी, उनसे आपकी दोस्ती कैसे हुई और कैसे पता चला आपको उनके बारे में? 2009 में हमारा कोर्ट जजमेंट आ गया, ठीक है, कोर्ट ने मेरी, लेकिन तब तक मेरे पास यहाँ का कोई BJP वाला या कोई भी हिंदूवादी संगठन कभी मेरे को मिलने नहीं आया था ना। उस वक्त जब मैं परेशानी में था ना, कोई ने मेरी कोई मदद भी नहीं की, और मैंने जो तस्वीर थी वो सिर्फ समानता और मानवता की भावना से ली थी कि भाई आता हुआ अच्छा है, ठीक है। तो मैं भी किसी के पास नहीं गया था, मैंने मेरी अकेले ही रिश्ते सब काम किया था उस टाइम। फिर 2012 में हमारे इलाके साबू इलाके एक मुस्लिम सामाजिक कह रहे जो मुझे भी जानते थे और कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे, ठीक है, उन्होंने हमारी मुलाकात कराई थी, उसके बाद में हमारी दोस्ती के साथ। अच्छा, अभी सुनने में ऐसा है कि आपकी जो दोस्ती है अगले महीने की 17 तारीख के आसपास की आपकी दोस्ती को 10 साल हो जाएगा, तो आपने उसके लिए एक पार्टी वगैरह का भी आयोजन करा है? हाँ, कि जिससे एक हिंदू मुस्लिम अच्छा, 10 साल पहले जब गुजरात का इलेक्शन था ना इसी टाइम कारण, वो 17 दिसंबर को था ऐसा, और 17 दिसंबर को वोटिंग के दिन हमारी मुलाकात हुई, वो मुझे बराबर याद है, क्योंकि कुतुबुद्दीन जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में अहमदाबाद में आज तक नहीं देखा। वो एक सच्चा मुसलमान भी है और अच्छा इंसान भी है ऐसा, कि इतना होने के बाद भी उससे किसी के प्रति कोई भेदभाव या भेदभाव नहीं रखा है। अच्छा, जैसे कि एक नफरत की राजनीति खेली जाती है खास करके हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, मगर इस तरीके की राजनीति जो है बहुत कम लोग हैं जो मतलब इस पर मतलब जो खड़े होकर क्या निर्णय लेना चाह रहे हो ना। हाँ, ऐसा है, मतलब राजनीति में कौमवाद जातिवाद है, आम जनता में कौमवाद जातिवाद नहीं है। कोई जिस तरीके से जहर खोलने की कोशिश करी जाती है भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी जाती है, क्या कांग्रेस की क्या, ये सही है गलत है?
उसका एहसास तो हमें 2002 में यहाँ गुजरात में के हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को हो चुका है भाई, और इसीलिए यहाँ दंगे बंद हो चुके हैं। इसमें किसी की भलाई नहीं है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की भलाई है, जो हिंदू मुस्लिम करते ना उसकी भलाई है। बाकी हिंदू को और मुस्लिम को सबको नुकसान हुआ था उस टाइम पे, किसी का कम हुआ था तो किसी का ज़्यादा हुआ था। बाकी आम जनता को दंगों से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। मरने वाला भी आम आदमी होता है, जेल में जाने वाला भी आम आदमी होता है, ठीका है। बात करेंगे अगर चुनाव की तो ये गुजरात के अंदर आप देख सकते हैं, ये दरियापुर विधानसभा है, इसमें काफी दिग्गज नेताओं की नजर भी है, सारी पार्टियों की नजर है। आखिर इस सीट में ऐसा क्या है, मैंने ऐसा सुना है तकरीबन ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए की सीट है, ग्यासुद्दीन शेख की सीट है, तो ऐसा क्या है इस सीट के अंदर जो लोग खास करके इस सीट को हासिल करने के लिए कुछ भी जद्दोजहद करने के लिए तैयार है, क्या कहो? अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद में दो इलाके हैं कि जहाँ मुस्लिमों की बस्ती ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम मिक्स है, एक जमालपुर है और दूसरा है हमारा दरियापुर साहब इलाका है, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों सही है ऐसा। इसके लिए इसका और ये दोनों सीटों भी कांग्रेस के खाते में, बाकी सब बीजेपी के खाते में। इसके लिए अच्छा ऐसा सुनने में आता है ये दरियापुर विस्तार के अंदर से हिंदू मुस्लिम की एकता का भी एक मैसेज देखने को मिलता है, क्या यहाँ के नेता वगैरह काम वगैरह करते हैं कि बस ऐसे ही बोल वचन है सब? 2002 के बाद में यहाँ के हिंदू और मुसलमान में काफ़ी एकता आती और उसकी वजह से भी यहाँ लोग हैं ना धर्म या जाति नहीं देखते हैं, जो भी विधायक होता है उसका काम देखते हैं। तो यहाँ के विधायक का काम है कि नहीं है? यहाँ के विधायक का काम अच्छा होगा तो पब्लिक उनको लाती होगी, जैसे तो नहीं लाती होगी। अच्छा 10 साल से जो आ रहा है आप कहना चाहते हो है इसके लिए आ रहे? दो बार जीते हुए हैं और तीसरी बार भी आए, तो उन्होंने काम अच्छा किया है, बिना भेदभाव हिंदू मुस्लिम के भेदभाव बिना काम किया है लोगों के साथ में, तो पब्लिक उनको लाती है ऐसा है। आपका मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है जो गुजरात में सरकार है वही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, आप क्या चाहते हैं? अब गुजरात में जो सरकार है ना 20 साल से शासन कर रही है, ठीक है, तो गुजरात सरकार मेरे अकेले पे बनने वाली नहीं है भाई। गुजरात की 4-5 करोड़ जो वोटर है ना वो वोटिंग करेंगे, वो जिस तरफ वो वोटिंग करेंगे वो तो सरकार किसकी बनेगी, वो तो उस टाइम पे मेरे से नहीं माना ऐसा मैंने कह सकता, नहीं इसकी सरकार बनी ऐसा मैंने कह सकता। ऐसा एक मैसेज जनता तक जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जाती है, क्या कहोगे? अभी गुजरात का चुनाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही, खेली जा रही है, क्या कहोगे इस पर, क्या मैसेज देना चाहते हो देशवासियों? मैं सभी देशवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले हमारे अहमदाबाद में भयानक दंगे हुए, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पूरे अहमदाबाद के हिंदू और मुस्लिमों में एकता भाईचारा और मानवता बढ़ गई, और इसकी वजह से यहाँ मंदिर अहमदाबाद का आज तक कोई भी दंगा नहीं हुआ, एक भी हिंदू ने हमारा एक मुस्लिम का मार दिया। मैं सभी देशवासियों को मैं ये कहता हूँ कि हमारी तरह हो भाई, पॉलिटिकल पार्टी भले तुम्हारे को हिंदू मुस्लिम करे लेकिन तुम्हारे हिंदू मुस्लिम नहीं होने का है, तुम्हारे इंसान बनकर जीने का है और भाईचारे से रहने का है ऐसा है। ये भी देखा जाता है इलेक्शन के बाद झगड़ा तो करते एक दूसरे पे आरोप भी लगाते काफी गंभीर, उसके बाद एक ही टेबल पे खाना खाते हुए नजर आते हैं नेता लोग, ऐसा भी देखा गया है। वो तो भाई अभी यहाँ एक नारा चल रहा है देखो, जब कांग्रेस भाजपा भाई भाई आप कहाँ से आई? अच्छा हाँ गुजरात में तो भी ऐसा नारा चल रहा है भाई, अच्छा? कांग्रेस भाजपा भाई भाई आप कहाँ से आई? आपका मतलब दिल्ली वाला जो आप आए ना आप कहाँ से आई देखा है? आप समझ जाओ इतना ना, आप पढ़े लिखो समझ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए क्या पूरा मामला था, हमारे साथ जो अशोक कुमार उर्फ अशोक मोची मौजूद है, क्या पूरा मामला था हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया। देखिए इलेक्शन आते हैं आएंगे और जाएंगे, मगर अपने जो भाईचारा है अपने भाईचारों के ऊपर आप लोग कभी भी जो है इस तरीके से लड़ाई ना करें, क्योंकि पार्टियां आपस में मिल जाती है मगर जो नफरत हो जाती है एक दूसरे की वो काफ़ी टाइम तक देखने को मिलती है। क्योंकि मुझे एक शेर याद आता है इस बात पर कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखते हैं चुनाव में किसकी लहर देखने को मिलती है और किसकी सरकार बनती है। हमारे साथ थे जो अशोक भाई जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और क्या पूरा मामला था उनसे हमारे को जानने को मिला। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।